Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो guys, अभी सौरव जोशी व्लॉग्स इंडिया का बिगेस्ट व्लॉगर है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। आखिर हो भी क्यों ना, 5-6 मिलियन व्यूज हर वीडियो पर लाना इज डेफिनेटली नॉट एन इजी टास्क, और इसमें उसका साथ देती है उसकी पूरी फैमिली। तो बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार, और चलो शेयर करता हूँ सौरव जोशी को ध्यान में रखकर बनाया गया ये स्पेशल ज़ॉम्बी सर्वाइवल प्लान। वेल, वी नो ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स जल्दी होगा। देन पीपल विल बिकम कैनिबल्स एंड आई ईट यू, यू ईट मी, दैट काइंड ऑफ कलयुगा। जस्ट अ हिंट ऑफ कई वायरस ऑलरेडी हर जगह फैलने लगे हैं। तो अभी दुनिया से कोरोना का खतरा टला नहीं है, एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। इसका नाम है मंकी पॉक्स। सभी चीजें इशारा एक ही तरफ करती हैं कि कुछ वक्त में ऐसा होना संभव है, और कल जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें तो एग्जैक्ट डेट भी एलेक्सा ने बता दिया है। तो ऐसे में सौरव जोशी जैसी पर्सनालिटी जिसकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग है, वो एपोकलिप्स में कैसे सरवाइव करेगा, मतलब कि वो ज़ॉम्बी से कैसे जिंदा बचेगा। और यार, चूंकि उसने मनमुदी की वीडियोस नहीं देखी तो उसके चांसेस बचने के थोड़े कम जरूर हैं, और हो सकता है ज़ॉम्बीज़ उससे सेल्फी खिंचवाने की जगह बॉडी पार्ट्स खींच कर ले जाए। इसलिए इस मनमुदी बालक ने उसके लिए स्पेशल सर्वाइवल गाइड बनाया है। अब देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, उनकी उम्र 1000 साल की हो, भाई भले ही अपना वैम्पायर बन जाए, लेकिन अगर वो किसी वजह से ज़ॉम्बी से नहीं बच पाया तो फिर ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स में हम उनके व्लॉग्स को कैसे देखेंगे? क्या मनबुद्धि, एपोकैलिप्स में तो इंटरनेट भी नहीं होगा, तुझे उसके व्लॉग्स की पड़ी है? तो नहीं यार, दरअसल वो जितना सिंपलिसिटी से लाइफ जीते हैं, सब्जी रोटी खाना फिर सो जाना। तो फिलहाल डिनर करते हैं, मैं तो डुबके चावल ही खा रहा हूँ। तो फिलहाल गाइस डिनर करते हैं, रोटी सब्जी, आलू की सब्जी है, रोटी है। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। एपोकैलिप्स में ये सब चीजें कहीं ना कहीं बाकी लोगों को मोटिवेट करेंगी। इसलिए आज की वीडियो में हम ये बताएं कि सौरव जोशी व्लॉग्स के पीछे अगर ज़ॉम्बीज़ बढ़ जाएं, जो कि ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स होगा तो बिल्कुल पॉसिबल है, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए और वो कैसे बचने के चांसेस को अपने इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं कि क्या उसकी थार उसे बचाएगी या मोहित भैया के मॉन्स्टर ट्रक की उसे जरूरत पड़ेगी। क्यों साहिल जोशी सौरव और पीयूष की और पूरे फैमिली के सर्वाइवल की बहुत बड़ी वजह बनेगा। क्या वो जिस सोसाइटी में रहते हैं वो इतनी सेफ है कि वो बच पाएंगे, और उन्हें बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। अब देखो, बीइंग ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट वॉच व्लॉग्स, पर सौरव जोशी व्लॉग्स इज द पर्सन जिसने डेली वीडियोस डालने के लिए काफी लोगों को इंस्पायर किया है, एंड उसकी लाइफ आगे आने वाले कई सेंचुरीज तक के लिए तो बहुत जरूरी है। इसलिए इस प्लान को बनाने के लिए मैंने उसके लगभग सभी पुराने व्लॉग्स को देख डाले, ताकि कोई भी उसके लाइफ में शामिल इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पेपर ना छूट जाए। सौरव लेट से सोता है और सुबह 7 से 8 तक उठ जाता है, वहीं पीयूष स्कूल में और कोचिंग में फंसा रहता है। ऑलमोस्ट उसके फैमिली में सभी लोग काफी फोकस्ड हैं, एंड ज़ॉम्बीज़ के बारे में उसकी फैमिली में ज्यादा कोई अवेयरनेस नहीं है। तो तुम लोग क्या करो, जाओ थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाओ, उसको भी बताओ कि ज़ॉम्बी जैसा कुछ हो सकता है। और साथ ही सौरव की सोसाइटी यानी कि ओलिविया हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हमेशा ही सौरव से मिलने के लिए काफी भीड़ होती है, लेकिन टेक्निकली उसकी सोसाइटी के मेन गेट काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसे क्रॉस करना इज नॉट एन इजी टास्क। तो अब एक बार कैजुअली सौरव कहीं जा रहा होता है और हमेशा की तरह उसकी गाड़ी को कुछ लोग फॉलो करने लग जाते हैं, तो सौरव उनसे सेल्फी लेने के लिए अपना चेहरा बाहर निकालता है और सेल्फी ले रहा होता है, पर तभी भीड़ में से एक बंदा जो कि थोड़ा वियर्ड और चुप सा रहता है, वो सौरव को काटने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी सौरव हमले के डर से वहां से निकल जाता है, उसे लगता है सब ठीक है। लेकिन जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसकी मम्मी के हाथ में एक निशान है। वो ज्यादा नहीं सोचता, पर तभी हर जगह से न्यूज आने लगती है कि ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स फैलना शुरू हो चुका है। और अब जैसा कि सौरव जोशी फाइटर नहीं बल्कि थोड़ा सावधान और सतर्क रहता है, तो वो घर में बंद हो जाता है। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी, क्योंकि पीयूषी अभी भी कोचिंग में होता है, और अब चूंकि एपोकैलिप्स शुरू हो चुका है तो उसे घर में भी लाना है। तो शुरू में तो सौरव जोशी जाने का डिसाइड करता है, पर हर बार की तरह उसका पोपट हो जाता है, क्योंकि उसकी सोसाइटी के गेट पर बहुत बड़ी भीड़ होती है। काफी लोग इस एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में इस बात से बेखबर कि ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स शुरू हो चुका है, सौरव से मिलना चाहते थे, पर किसे पता होगा कि ये शायद उनकी जिंदगी की आखिरी सेल्फी और मीटअप होगी। क्योंकि भले ही सौरव जोशी यहाँ फैंस के साथ एक सेल्फी ले ले, पर हो सकता है कि जल्द ही उसके फैंस में से कोई ज़ॉम्बी सौरव की बॉडी का एक बाइट भी ले ले। अब आंटी जी ये बात जानती थी तो हमेशा की तरह उसे जाने से वो मना कर देती है। ऐसे में इस फैमिली का सबसे डेयरिंग लड़का वो केटीएम पर स्पीड में जाकर सेफली पीयूषी को घर ले आता है। वापस आने पर जब साहिल कुछ जगह पैदल चल रहा होता है तो उसके पीछे ज़ॉम्बी भी पड़ते हैं, लेकिन वो जिम्नास्टिक करके और पार्कौर करके बच निकलता है। खैर, अब वो घर आता है तो सौरव का इतना पॉपुलर होना उसकी मुसीबत का कारण बन जाता है, क्योंकि अब जैसा कि कई फॉलोअर्स उसके एरिया में थे तो साहिल अंदर नहीं जा पाता और गेट पर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
खैर उनमें से कुछ लोग छिप छिपा कर और कॉन्टैक्ट भिरा कर कि सौरभ के घर के बाहर आ जाते हैं और सौरभ छिपा हुआ है क्योंकि उसके इतने पॉपुलर होने के कारण उसके हेटर भी कई हैं एंड ही डोंट नो कि कोई उससे किस तरह से मिलेगा, तो इसी डर के कारण कि कहीं वो इन्फेक्टेड पर्सन से ना मिल जाए वो छिपा रहता है। खैर साहिल और पीयूष कार्ड की हेल्प लेकर अंदर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि अंदर में छिपकर गया हुआ एक इंसान ट्रांसफॉर्म होने लग गया है, मतलब कि वो ज़ॉम्बी बनने लगता है। वही आंटी जी की तबीयत भी थोड़ी खराब होने लगती है। सौरभ को लगता है कि उनके हाथ के निशान के कारण ऐसा हो रहा है और वो बहुत टेंशन में आ जाता है। अब वो तुरंत अपने मोहित भैया को बुलाता है क्योंकि उनके पास मॉन्स्टर ट्रक है और अगर रास्ते में कोई ज़ॉम्बी मिला तो वो ठोकते हुए निकल जाएंगे। हालांकि उनकी फॉर्च्यूनर और थार भी काफी काम की है, पर जैसे कि हल्द्वानी एक पहाड़ी इलाका है तो कभी भी ऑफरोडिंग की जरूरत पड़ सकती है और मॉन्स्टर ट्रक इस चीज में बेस्ट है। तो ये तीनों उन ज़ॉम्बीज को ठोकते हुए निकल जाते हैं और बाकी घर में रुकते हैं। रास्ते में हर जगह भीड़ होती है, लोग भाग रहे होते हैं और वो आंटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर्स उसे वहां रहने को बोलते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि आंटी जी को क्या हुआ है, तो वो वहीं इंतजार करने लगता है। अब हॉस्पिटल में भी ज़ॉम्बी अटैक होने लगता है, तो ऐसे में सौरभ जोशी रूम का गेट बंद कर लेता है। खैर उसकी कंसिस्टेंसी यहां भी चलती है क्योंकि वो अभी भी व्लॉग कर रहा है, आखिर इस कैटास्ट्रोफी में सबको इन्फॉर्म भी तो करना है। अब कुछ घंटे बीत चुके थे और कोई उसके हॉस्पिटल के रूम के दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगता है। साहिल उसी वक्त कॉल करता है और बताता है कि ओलिविया हाउसिंग सोसाइटी में ज़ॉम्बीज आ चुके हैं क्योंकि एक स्पीड कार ने आकर गेट को ठोक दी थी। ऑल्दो सोसाइटी की मेन गेट काफी अच्छी थी और गार्ड भी शूट करके ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करता है, पर ज़ॉम्बीज के नंबर काफी ज्यादा बढ़ने से वो गेट के अंदर आ जाते हैं और हमारे गार्ड भैया भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब मुसीबत आता देख साहिल डिसाइड करता है कि इस घर में रहना सेफ नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा है, तो वो गाड़ी से पीछे के रास्ते से निकलने का डिसाइड करता है। अब वो आगे क्या करेगा और क्या ज़ॉम्बीज उसे रास्ते में मार देंगे उसे जानने से पहले, ये एक अलग ही टाइप की वीडियो थी। आई वॉन्ट टू नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगे, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, टारगेट 6000 लाइक्स का, और अगर वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं कुछ और यूट्यूबर्स के साथ भी ऐसा करूंगा। अब साहिल सोचता है सौरभ के पास जाने का, पर सौरभ हॉस्पिटल में था और चूंकि हॉस्पिटल में काफी सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं इसलिए वो उसे दूर जाने को कहता है। अब ऐसे में साहिल पूरी फैमिली को पीछे के रास्ते से निकाल लेता है और कंफ्यूज है कि अब वो कहां जाए। तो अब सौरभ अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करता है और जैसा कि उसकी पहले ही उत्तराखंड सीएम से सिक्योरिटी को लेकर बात हो चुकी थी तो वो अपने भाई को सीएम ऑफिस जाने को बोलता है। साहिल सीएम ऑफिस जल्दी से जल्दी पहुंचता है और उसकी फैमिली की सेफ्टी इंश्योर हो जाती है, वरना आज सब ज़ॉम्बी बनने ही वाले थे। खैर लेकिन अब तक सौरभ हॉस्पिटल में ही फंसा हुआ था इस डर में कि अगर वो हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा तो ज़ॉम्बी उसे मार देंगे। काफी वक्त बीत चुके थे और यहाँ बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है क्योंकि आंटी जी बिल्कुल ठीक होती हैं, मतलब कि जो हाथ में निशान था वो ज़ॉम्बी का नहीं होता है। अल्टीमेटली वो अपने यूट्यूब फॉलोअर्स के पावर का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी की डिमांड करता है और चूंकि उसके करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं तो सीएम ऑफिस से उसे एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया जाता है। अब वो ज़ॉम्बी से लड़ते हुए सीढ़ी पर जाता है और हेलीकॉप्टर से एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है। अब देखो ये था काफी स्पेशल ज़ॉम्बी सर्वाइवल प्लान क्योंकि यहाँ स्टोरी के लीड में 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोइंग वाले सौरभ जोशी थे और अगर उसकी जगह आप होते तो आपका बचना और भी ज्यादा मुश्किल था। खैर अगर यहाँ तक देख लियो तो कमेंट कर देना सौरभ जोशी ज़ॉम्बी और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको जानना है कि ज़ॉम्बीज आपके पास आ गए तो आप कैसे बचोगे तो लेफ्ट साइड पर उसको लेकर पूरी सीरीज ही बनी हुई है, तो क्लिक करके देख लेना। बाय।